करोड़ से ज्यादा कीमत की लगभग 20,000 बोतल शराब जिला प्रशासन ने करहिया मैदान में नष्ट की। यह शराब जिले में अवैध रूप से लाई गई थी, इसे रास्ता किया गया था। प्रशासन अब शराब के साथ पकड़े गए वाहनों को भी नीलाम करने की बात कह रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 20,000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया जिला प्रशासन ने चौराहा थाना अंतर्गत करहिया के खाली पड़े मैदान में। जेसीबी की मदद से इस दौरान बरसों से जब्त की गई शराब को मालखाने से निकालकर यहां पर एकत्र किया गया था। उसके बाद उसके ऊपर जेसीबी चलाकर सारी बोतलों को तोड़ दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन ने रास्ता की गई विभिन्न तहसीलों से शराबों को जो बरसों से माल खाने में रखी हुई थी उन्हें आज नष्ट कर दिया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत कलेक्टर रीवा के द्वारा 1 करोड़ के आसपास बताई गई है, जिसे रीवा के करहिया में बने खाली मैदान में नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जी हाँ, रीवा जिले में बरसों से पकड़ी गई विभिन्न शराब के तस्करों से इस शराब को प्रशासनिक अफसरों ने राजसात कर लिया था। समय समय पर प्रशासनिक अफसर अवैध रूप से जिले में लाई गई शराब को कार्रवाई के दौरान राजसात करते हैं। यह शराब अवैध रूप से जिले में बिकने के लिए आई थी, जिसे विभिन्न शराब तस्करों के द्वारा लाया गया था, पुलिस प्रशासन ने पकड़ा था। इनके साथ इनके वाहन भी जब्त किए गए थे, उनको भी नीलामी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जिले में एक और शराब तस्करों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है, उनकी शराब को नष्ट किया जा रहा है, दूसरी ओर उनके वाहनों की भी नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन हर हालत में चाहता है रीवा जिला नशा मुक्त हो जाए। नशे को लेकर जिले में इस समय वैसे भी लगातार कार्रवाई जारी है, उसी के चलते इस तरीके की कार्रवाई रीवा जिले में की गई है। इस शराब को कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में नष्ट करने की कार्रवाई की गई। यह शराब तहसील स्तर से लेकर जिले के विभिन्न थानों में पिछले कई वर्षों के दौरान पकड़ी गई थी। 20,000 लीटर से अधिक की शराब पर जेसीबी मशीन चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। काफी अरसे बाद यह कार्रवाई जिले में एक बार फिर से प्रारंभ हुई थी। अभी कुछ दिन पूर्व भी इसी तरीके की एक कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित तमाम जिम्मेदार आला अधिकारी मौजूद रहे। करहिया मैदान में शराब को नष्ट करने के दौरान हमने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से कार्रवाई के संबंध में बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। शराब नष्ट किया जा रहा है, ये विभिन्न मामलों में राजसात किए गए शराब है, काफी बल्क अमाउंट में ये शराब है और इसमें लगभग 20,000 लीटर से ज्यादा शराब है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इसको यहाँ सभी तहसीलों में जो जब्त की गई थी और जिसको आदेश करके राजसात किया गया था, यहाँ पर इकट्ठा करके उसको नष्ट कर रहे हैं और इसको आप सभी की उपस्थिति में नशा मुक्त का जो अभियान चल रहा है उसके एक प्रारूप के रूप में देख रहे हैं कि जो भी ऐसी अवैध और गलत शराब है या उसमें जो प्रयुक्त होने वाले वाहन हैं उन सबको राजसात किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने ढेर सारे वाहन भी राजसात किए हैं और उनकी लगातार नीलामी भी की जा रही है। सर, लगभग कीमत क्या रही होगी? नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।